Hello everyone, welcome to Sunny Coaching Classes. Myself Bhavna and welcome to Sunny Coaching Classes. आज हम इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और वो पॉइंट है हाउ टू अटेम्प्ट एनी एंट्रेंस एग्जाम. आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो रही हैं, अटेम्प्टेशन का वे क्या होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करना, एंट्रेंस लेवल अटेम्प्ट करना बिल्कुल ही यूनिक फिनोमेना है. एक स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहा है वो अटेम्प्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट है जो एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो रहा है वो अटेम्प्ट कर रहा है. टोटली डिफरेंट फिनोमेना होते हैं ये. तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी स्टूडेंट को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ड्यूरिंग अटेम्प्टेशन ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जाम. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट साइड से क्वेरीज जो है वो लेके आऊँगी और सर उसका आंसर करेंगे. मैं यहाँ पर ज़्यादातर उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगी जो स्टूडेंट्स हमसे ज़्यादातर पूछते हैं. तो सबसे पहले अगर हम फॉर एग्जांपल सीईटी की बात करते हैं, पीआईयू सीईटी की, तो अगर किसी स्टूडेंट ने पीआईयू सीईटी देना है तो उसे सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अपीयर होना, मतलब कौन से सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में, व्हाट डू यू थिंक सर? अगर आप फाइनल एग्जाम देने गए हुए हैं और आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन, तो ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. मैं एक कॉमन आंसर सारे स्टूडेंट्स को नहीं कह सकता और ये एग्जाम के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे आपने सीईटी का एग्जाम्पल लिया है तो अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग पैटर्न है और अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है. किसी एग्जाम में कोई एक्स सब्जेक्ट ईजी है, किसी एग्जाम में कोई वाई सब्जेक्ट ईजी है, किसी स्टूडेंट को कोई एक्स सब्जेक्ट ईजी लगता है, किसी स्टूडेंट को कोई वाई सब्जेक्ट ईजी लगता है. तो मेरे पास एक जनरल सी स्टेटमेंट है लेकिन मैं उसका फिर भी और आंसर देने की कोशिश करता हूँ इन डिटेल. तो लेट्स से हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसको सबसे ईजी लगती है फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, उसे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और फिजिक्स और मैथ्स में उसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगता है या उसको मुश्किल लगता है, ऐसा मान लेते हैं हम. तो उसको सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना चाहिए, देन फिजिक्स अटेम्प्ट करना चाहिए, देन मैथ्स अटेम्प्ट करना चाहिए. तो जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ईजी लगता है वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे थोड़ा मुश्किल वाला सेकेंड नंबर पर और सबसे मुश्किल वाला थर्ड नंबर पर. अब इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगता है. अगर सारे सब्जेक्ट्स इक्वल मार्क्स की वेटेज रखते हैं तो आपको जो सॉल्व करने में कम टाइम लगता है उसको पहले अटेम्प्ट करना एक बेटर आइडिया है, बिकॉज आप टोटल टाइम बचा लेंगे. क्योंकि हो सकता है आप फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कई बार कंसेप्चुअल होते हैं या उतना सॉल्व करने का पार्ट कम होता है, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा हैं, मैथ्स में क्वेश्चंस लेंथी हैं. तो अगर आप केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हैं और मैथ्स लास्ट में, और आपके लेट्स से क्वेश्चंस बच जाते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चंस, बिकॉज आपने मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे, मैथ सॉल्व करने में टाइम बचता है, तो 10 क्वेश्चंस के मार्क्स लूज करेंगे ना. लेकिन अगर आप मैथ्स ही स्टार्टिंग में कर लेते हैं और सारा टाइम उसको लगे रहते हैं, शायद केमिस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाते, या 30 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस मिस कर देते हैं, तो वहां पे आपको लॉस ज़्यादा है. तो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली आप किस क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं. जिसको जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, जो आपको ईजी लगता है, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना एक अच्छा आइडिया है. हाँ जी, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मेंटालिटी होती है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, लेट्स सपोज 200 क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, तो कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, चाहे वो एक ग्रेजुएशन का लेवल दें, का एंट्रेंस एग्जाम दें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का, चाहे 10th के बाद ही दें, हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो पूछता है कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए टू क्वालिफाई दैट रिस्पेक्टिव एग्जाम. ये क्वेश्चन हालांकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एक दूसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट पूछ लेता है. तो जो मैं उनको आंसर देता हूँ वही बता रहा हूँ कि ये डिपेंड अगेन करेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं. अब मैं कह दूं कि 200 में से 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, धक्के से थोड़ी कराओगे, नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पर. अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर तो सारी करनी चाहिए, फिर तो आपको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता. और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसा तो मैं कह नहीं सकता ना कि 150 करने हैं. मान लो उसकी कट ऑफ 150 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट जाती भी है लेकिन आती ही नहीं है तो कैसे करोगे? नेगेटिव मार्किंग है ना, तो यू कैन नॉट ओवर अटेम्प्ट. जितने आपको आते हैं उतने ही करने चाहिए, और आपको कोशिश तो यही करनी चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएं. लेकिन अगर आपको आते हैं नहीं आते तो प्लीज़ तुक्के मत मारिए, सारे क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाएंगे खाली तो भी जीरो मार्क्स आएंगे. और अगर आपने 10 क्वेश्चन किए सारे के सारे नेगेटिव में चले गए तो नेगेटिव में नंबर लेने वाले हो, तो जीरो मार्क्स स्टिल बेटर है एज कम्पेयर टू नेगेटिव मार्क. और ऐसा कोई फाइन नंबर नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे. हाँ,
हर एक एग्जाम की कट ऑफ अलग अलग है, तो कितनी कट ऑफ जाएगी वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा कोई ब्रॉड आंसर नहीं है। जितने आते हैं उतने करें, प्लीज ओवर अटेम्प्ट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है ओवर अटेम्प्ट ना करें। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि धक्के से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं कि यार 100 क्वेश्चंस तो कम से कम करके आऊंगा ही, नहीं तो फिर मेरे स्कोर कैसे आएगा, मैं क्वालिफाई कैसे करूंगा। ऐसे नहीं है यार, हो सकता है कट ऑफ उस साल कम जाए। एक इसका काउंटर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ लेते हैं फिर फर्दर कि इतनी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता तो मैं सारी टिक कराता हूँ, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है ना निकले। यार उस साल हो सकता है पेपर काफ़ी टफ आया हो, एक बार सारे क्वेश्चंस प्यार से पढ़ के तो देखो। क्लास में कुछ क्वेश्चंस आपने किए हुए आपको याद हो, आपने किसी बुक से पढ़ा हुआ हो याद हो, किसी टीचर का कुछ कहा हुआ याद हो, आपको स्कूल लेवल की कोई बात याद हो, एक बार ध्यान से शांति से सारे क्वेश्चंस को पढ़ें जरूर, और दो दो बार पढ़ें अगर आपको पहली बार समझ में नहीं आता। ठीक है, जितने आते हो प्लीज़ उतने करें, ओवर अटेम्प्ट ना करें। हाँ जी, वैसे भी बिल्कुल ये सही बात होती है, हर बार कट ऑफ सेम नहीं जाती, हर एग्जाम के लिए कट ऑफ ईयर टू ईयर वेरी करती है। तो आप ये तो मत ही सोचो कि मेरे को इतने क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे, हो सकता है उस साल कट ऑफ ही इतनी कम गई हो, मतलब बहुत कम क्वेश्चन करके ही आपका वो आ जाए, वही आप सारे कराए वो नेगेटिव में चले गए, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया कि कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए। इसके अलावा हमें आता है माइंड में कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया, मुझे लगा कि उसका ए आंसर आना चाहिए, फिर मैंने उसको सारा पेपर कर लिया, फिर मैं उसे क्रॉस चेक करने लग गई, फिर मुझे लगा कि उसका बी आना चाहिए, तो फिर मैं क्या टिक करूँ, ए टिक करूँ कि बी टिक करूँ? पहली बात तो आपके पास इतना समय ही नहीं होगा आप सारा पेपर करके पूरे अकेले अकेले क्वेश्चन को दोबारा रीड कर सकें। हालांकि ये गुड हैबिट है, आपको करना चाहिए अगर आपका टाइम बच जाता है क्रॉस चेक। अब अगर आप OMR फिल कर चुके हैं तो यू कैन नॉट चेंज योर आंसर्स, राइट। अगर आप ए टिक कर चुके हैं तो वो ठीक है, फाइनल सबमिट हो चुका है, अगर आप चेंज करेंगे तो नेगेटिव में काउंट हो जाएगा और चेक नहीं होगा या नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। और अगर आप CBT कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर रहे हैं, हाँ तो आप चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दो ऑप्शन सही लग रहे हैं तो दोनों में से कौन सा टिक किया जाए, तो जो ज्यादा सही लग रहा है वो किया जाए। अगर आपको देखो आपने सॉल्व करके निकाला है, उसकी कैलकुलेशन करी है, जो भी सॉल्व किया है, और आप फाइनल आंसर पहुंच चुके हो कि यही है, फिर आपको लगना ही नहीं चाहिए दूसरा ऑप्शन सही। ये दो ऑप्शन सही तब लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको लगता है कि क्लास में कहीं सुना था ये ए ऑप्शन हो सकता है, या मैंने कहीं बुक से पढ़ा था तो बी ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपका डाउट आपने तब क्लियर करना था ना जब आपने क्लास में सुना या आपने बुक से पढ़ा, तो तब आपने टीचर से प्लीज़ पूछिए कि दोनों में से क्या सही है। ये लैक ऑफ प्रैक्टिस ही दिखाता है कि आपको कन्फ्यूजन जो होती है, और कई बार एग्जाम एंग्जाइटी भी होती है, एग्जाम में थोड़ी उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन हो जाती है, नर्वस हो जाता है स्टूडेंट की क्या का, कई बार बच्चों को एक्सपीरियंस ही नहीं होता, पहली बार गए होते हैं एग्जाम देने तो नहीं पता होता, कई बार वहाँ पर भीड़ भड़का देख लेते हैं या और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाएं, फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और वैसे ही एग्जाम एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छी बात है। और जो आपको सही लगता है, ज़्यादा सही लगता है, प्लीज़ वो अटेम्प्ट करें, कोई ब्रॉड रूल नहीं है यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन हमारा ये स्टूडेंट का होता है कि मैंने पेपर की प्रिपरेशन तो करी बट मैं वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो गया, या फिर मेरे को वहाँ पे जाके डाउट्स बहुत सारे क्रिएट हो गए, तो फिर हाउ टू स्टे काम ड्यूरिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम? तो कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज इसीलिए आप हुए क्योंकि आपने फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स पहले मल्टीपल प्रैक्टिस घर पे नहीं किए थे। अगर आपने घर पे या ट्यूशन पे कोचिंग पे वैसे फुल सिलेबस के टेस्ट पेपर्स पहले से ही कुछ प्रैक्टिस किए हैं तो वो एग्जाम एनवायरनमेंट आप पहले से ही फेस कर चुके हैं, तो ये डिफ़िकल्टी आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर्स आप अटेम्प्ट करें बिफोर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज तभी आपको आइडिया होगा कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करूं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तभी एग्ज़ाम में क्लियर होंगी, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर भी एग्जाम एंग्जाइटी होती है तो आप अपने ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल साथ लेके जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा डीप ब्रीथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको मोटिवेशन मिलती है या आपको काम शांति मिलती है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, तो यही सोल्यूशन है जी, और कुछ खास नहीं है। एक बहुत फनी सा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करता है एंट्रेंस एग्जाम में और उसे बाई चांस किसी दूसरे का पेपर दिख जाता है और उसे लगता है कि उसने तो वन का ये किया, सेकंड का ये किया, ओहो मैंने ये कर दिया, और फिर उसे क्या करना चाहिए? मतलब क्या उसे साथ वाले का देख के कर देना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, या उसके अकॉर्डिंग अपना, या फिर अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए?
देखिए यहाँ पर ना दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि अगर आपका पेन एंड पेपर ऑफलाइन पेपर हो रहा है या आप सीबीटी भी हो रहा है तो क्वेश्चन ना शफल्ड होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका है वो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट का नहीं होगा। मे बी आपका 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसका शायद 31 होगा या 41 होगा, तो आप उसका देख लेते हैं कि उसने 31 का बी लगाया है, आप भी 31 का बी लगा लेते हैं। मान लेता हूं कि उसका आंसर बी ऑप्शन सही था, लेट अस अज्यूम दैट कि उसका सही था, लेकिन उसने 31 का बी लगाया, आपने भी 31 का बी लगा दिया, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में तो वो क्वेश्चन नंबर 21 था, शफल्ड होते हैं तो कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव हो गया। चलो फिर भी मान लेते हैं कि उसने 31 बी लगाया और आपने वो सेम क्वेश्चन ढूंढ लिया, डायग्राम था वही, सेम डायग्राम आपने ढूंढ लिया और बी लगा दिया, और आप सिर्फ इस बेसिस पे लगा रहे हैं कि वो बंदा कॉन्फिडेंस वाला है, वो फटाफट टिक करता जा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, सही लगा रहा होगा, इतने कॉन्फिडेंस में कोई गलत थोड़ी लगाता है, क्या पता यार वो आपसे भी ज्यादा नलायक हो, आपसे भी ज्यादा बुरे हालात वाला, आपसे भी बुरे हालात, बिल्कुल ही एकदम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ तुक्का मारने के लिए पेपर में, और वो इतने कॉन्फिडेंस से मारते हैं कि देखने वाले को लगता है कि इसी को सब आता है, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हैं। जो ऐसे नहीं, पढ़ने वाला बच्चा होता है वो फिर भी डाउट रख के पेपर अटेम्प्ट करता है कि पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं, जिसको बिल्कुल ही ना आता होता वो मानोगे नहीं आप 100% कॉन्फिडेंट के साथ जाता है, और आप मानोगे नहीं ऐसे बच्चों ने वीडियो भी क्या देखी होती है कि हाउ टू मेक तुक्का कैसे मारे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो ऐसी बातों में मत रहो जी, जो पढ़ के जा रहे हो ईमानदारी से वही अटेम्प्ट करो, ये ना हो जो आता था उसमें भी आप नेगेटिव में मार्क्स ले लो किसी दूसरे को फॉलो करते हुए, पता नहीं वो कौन से देश का है कहाँ से आया है, ऐसे ही आप उसे भीड़ चाल में मतलब हो ना, अपनी आइडेंटिटी बना के रखो और अपना वाला ही पेपर अटेम्प्ट करो। कहते हैं ना खाली बर्तन ज़्यादा शोर मचाता है, तो वो ऐसे चक्रों में ना पढ़ो, जितना आपको आता है उतना ही करो, क्योंकि हो सकता है वो आपसे भी गया गुजरा हो, उसको उतना भी ना आता हो जितना का आपको आता है, कुछ तो पढ़ के गए होगे आप, तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और ये कॉन्फिडेंस विद प्रैक्टिस आएगा, सो डोंट नीड टू वरी, प्रैक्टिस करें, लगे रहें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, तो स्टूडेंट्स की एक और क्वेरी होती है कि जैसे वो एग्जाम हॉल में जाएंगे, उन्हें देखना है कि इतना टाइम में इतने क्वेश्चंस करने थे, तो क्लॉक कई बार बहुत दूर लगा होता है ना, और उसको नहीं इतनी दूर से दिखता, तो फिर वो क्या करे? देखो अगर सीबीटी टेस्ट है तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही टाइम आ रहा होगा, और अगर आपका पेन पेपर बेस है तो रूम में क्लॉक लगा होगा, उसको आप देख सकते हैं। अब बार बार टीचर से भी ना पूछें, आगे पीछे तो आप वैसे भी नहीं पूछ सकते, राइट? तो टीचर्स को भी ज़्यादा ना पूछा जाए, क्योंकि उसमें बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस रहती है, टीचर्स खुद भी वैसे कुछ टाइम के बाद बताते रहते हैं 1 घंटा रह गया, 1.5 घंटा रह गया, इनफैक्ट उसको भी ज़्यादा नहीं आपको बार बार ये सुनने की ज़रूरत। इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में ना ये छोटी छोटी चीज़ें एंग्जाइटी बढ़ाती हैं, टीचर्स बार बार कहते हैं 1/2 घंटा रह गया जी, 10 मिनट रह गए जी, 5 मिनट रह गए जी, OMR फिल कर, लेकिन नहीं, आप अपना आराम से लगे रहें, क्योंकि इस चक्कर में आप गलत ना कुछ फिल कर दें, और आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ पर आपके पास इतना समय नहीं है। वन थिंग मैं मोर ऐड करना चाहता हूँ कि आप OMR की जब फिलिंग करते हैं तो 1 by 1 ईच क्वेश्चन की करें, ऐसे प्लीज़ ना करें कि मैं सारे फिजिक्स अटैम्प्ट कर लेता हूं, फिर सारे फिजिक्स की फिलिंग कर लूंगा, सारे पूरा पेपर पहले अटैम्प्ट कर लेता हूं, बाद में फिलिंग कर लूंगा, हो सकता है टाइम ही ना बचे, फुल टाइम निकल जाए, खत्म हो जाए, तो आपका क्वेश्चन पेपर किया कराया रह गया और OMR तो खाली रहेगी ना, जितना टाइम हो गया उस टाइम पर इन्विजिलेटर ने तो आपका जो पेपर है वो ले जाना है, OMR शीट ले जानी है, कोई फायदा नहीं हुआ। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब हम इकट्ठे फिल करने लगते हैं तो एक आधा ऊपर नीचे हुआ तो पूरी सीरीज गलत हो जाती है, और ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सेकंड क्वेश्चन का बी था, मैंने सी लगा दिया पूरी, उसके बाद सारी सीरीज गलत हो जाएगी, तो 1-2 क्वेश्चन मिस भी हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ फिल करने में कुछ 1-2 मिनट ही ज़्यादा लगेंगे पूरे एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ फिल करते रहें, पहले का सॉल्व किया जो भी आया फिल किया, दूसरे का सॉल्व किया जो भी आया फिल किया, इकट्ठे अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ पे एक और भी बात होती है कि ड्यूरिंग एग्जाम ना एग्जाम हॉल में बहुत सारे तरह की नॉइस क्रिएट होती रहती है, जैसे कोई जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो माइक में अनाउंस करते होते हैं कि आप अपना नेम जरूर लिख लो, रोल नंबर जरूर लिख लो, ये चीज़ साथ रखो, ये अलाउड नहीं है, फ़ोन नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, ना अगर नहीं अलाउड, या फिर वाटर बॉटल हो आपके पास, पेन हो, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ हो, तो ये सारी चीज़ें सुननी भी जरूरी हैं, पर अगर यही सुनते रहोगे तो पेपर कब करोगे? तो फिर मतलब कैसे मैनेज करें उनको, सुन भी लें और टाइम भी वेस्ट ना हो? तो आप थोड़ा कंसंट्रेटेड रहें अपने एग्ज़ाम के ऊपर। हाँ, ये बातें भी देखो, जो आपको एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी एडमिट कार्ड पे भी लिखी होती हैं, आपको पहले से पता होता है ये करना है ये नहीं करना, तो वो तो आपको पहले से पता है ना, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन चेंज हो रहा हो, पेपर चेंज हो रहा हो, कोई वहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो सकती है, तो आपको अटेंशन तो पे करनी है, ऐसा नहीं कि अटेंशन पे नहीं करनी, लेकिन एग्ज़ाम के ऊपर कंसंट्रेटेड रहना है, ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना जो आप पहले से ही जानते हो, आप
इंस्ट्रक्शंस को पहले से ही पढ़ के जाएं घर पे, ताकि आपको पता हो कि क्या वहाँ पर फॉलो करना है और क्या वहाँ पर नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, और स्पेशली ये हमारे जो मेडिकल नॉन मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए एक डिफाइंड टाइम लिमिट होती है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं। सो कैसे कोई स्टूडेंट जो है वो टाइम मैनेज कर सकता है और एक अच्छा रैंक ले सकता है? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बहुत यूज़फुल है, ट्रस्ट मी। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने खुद भी ये फॉलो करी है और बहुत सारे बच्चों को देखा है इसको फॉलो करते हुए, और ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद, बहुत अच्छे वो टाइम बचा पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, तो आप एक्स वाई जेड तीन सब्जेक्ट्स हैं, पहले आप सब्जेक्ट एक्स ऑप्ट कर रहे हैं लेट्स से, तो जैसे आप एक्स सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन टिक करते हैं जैसे आप पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन तीन तरह का एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो आपको डायरेक्टली आता है, कुछ नहीं सॉल्व करना, आपको कंसेप्ट पता है, वो कंसेप्ट पूछा है, या आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा हुआ है, टीचर से सुना हुआ है, आपको पता है कि उसका ए है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फटाफट उसका ओएमआर पे टिक कर दो, ए ओएमआर फिल कर दो, बात खत्म। दूसरी टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब उसका तो आइडिया ही नहीं है, ये तो वो चैप्टर से है जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, तो ये तो क्वेश्चन को स्किप करना ही हल है, इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन होता है ऐसा जो सॉल्व करने वाला है, अब अगर सॉल्व थोड़ा सा ही करने वाला है, एक आधे मिनट में हो जाएगा, तो सॉल्व करो, टिक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी लेंथी है, जिसको सॉल्व करने में 3-4 मिनट लग जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्क करके चलिए। आप हैश मार्क कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पे गंद डाल दीजिए पूरा, एन बड़ा बड़ा वहाँ पर हैश या स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लीजिए। अब आपके पास लास्ट में कुछ टाइम डेफिनेटली बच जाएगा, मे बी आधा घंटा बच जाए, मे बी 15 मिनट बच जाए, और ऐसे हैश मार्क्ड वहाँ पर या स्टार मार्क्ड वहाँ पर क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले छोड़ दिए थे, लेंथी थे, तो आपके पास जितना टाइम बचा आप ऐसे क्वेश्चंस पे लगाइए, क्योंकि मे बी ना क्वेश्चन लेंथी शुरू के 15-20 क्वेश्चन मान लेते हैं बहुत लेंथी होते, ठीक है, बाकी का पेपर थ्रेटिकल था या इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो पहले 15-20 क्वेश्चन जो लेंथी हैं, अगर आप पूरे 3 घंटे उसी में लगा दोगे तो कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। और अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या थ्रेटिकल क्वेश्चंस या थोड़े कैलकुलेशन वाले, थोड़े सॉल्व करके जिनका आंसर आ रहा था, वो तो सारे अटेम्प्ट कर लेंगे ना। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो वो छूट जाएंगे जिनकी कैलकुलेशन लेंथी है, और कम नंबर ऑफ क्वेश्चन छोड़ना ही सोल्यूशन है ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन छोड़ने से, बिकॉज कट ऑफ इसी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। तो आगे से अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट इसका मिलेगा, और आई होप आप इसको फॉलो भी करेंगे। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस बार कौन से एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। वी ऑल विश यू वेरी गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसी अपडेट्स के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय बाय, गुड लक। इस वीडियो में हमने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, या बिफोर एग्जामिनेशन कैसे रिवाइज करें, या आफ्टर एग्जामिनेशन काउंसलिंग को रिलेटेड डाउट्स हैं, या कोई भी और क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, हमें आपके क्वेश्चंस का वेट रहेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय बाय।